प्लस पॉइंट हो जाएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे चलिए देखते हैं उससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं ग्राफीन आपने ये काफ़ी बार सुना भी होगा स्ट्रोंगेस्ट मटीरियल बोला जाता है इसको ये बेसिकली वन एटम थिक है जो एटम की लेयर बहुत ही पतली लेयर बहुत ही थिन लेयर ठीक है जी तो अगर इस मटेरियल के बारे में प्रॉपर्टीज पढूं सिंगल लेयर कार्बन एटम है ठीक है जी तो इतना ज़रा थिन है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही अलग है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके बाद पहले इसको समझते हैं हार्डर दैन डायमंडट फिर भी ये बहुत इलास्टिक है रबर की जैसे ठीक है जी टफर देन स्टील यट लाइटर दैन एलमिनियम मतलब हमें अगर आप देखोगे कि जब आप डिमांड करते कोई ऐसा मटेरियल हो जो वो ईजिली ब्रेक ना हो तो जब हमें ऐसा मटेरियल मिलता है उसके साथ उसकी थिकनेस भी तो इंक्रीज होती है है ना जैसे एक वायर है अगर हम बोले कि पतली सी वायर है ठीक है जी कॉपर की है लेटेस्ट पोस्ट इसको तो आप इजीली मोल्ड कर दोगे अगर इसकी थिकनेस मैं इंक्रीज़ कर दूं, इतनी थिकनेस कर दूं, तो उसको हम नहीं मोल्ड कर पाएंगे तो अगर हम देखेंगे तो हार्ड मटेरियल हमें मिलता है जो इजीली ब्रेक ना हो है ना वो उसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है जैसे अकबर टेलीविज़न है अब ये जितना अगर आप देखोगे सबसे पहले तो हमें बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न आए थे अब विद द टाइम क्या हो रहा है इनकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होगी लेकिन फिर भी ये ब्रेकेबल है जब गिरेंगे नीचे तो टूट जाएंगे क्योंकि तो जितनी चीज़ थी, थिन भी आती है वो इजीली ब्रेक भी होती है है ना डेलीकेट भी है तो ये टेक्नोलॉजी से हमें हमें क्या सीखा है कि हमने जो पहले जो चीज़ थी इतनी स्पेस को कवर करती थी आपके मोबाइल हैं आप कितने थिन आ गए विद द टाइम जैसे जैसे वही प्रॉपर्टीज़ हमें छोटे छोटे मटेरियल के अंदर मिलने लगी कि हमने वही प्रॉपर्टीज वही जो कन्फिग्रेशन है एक छोटे मटेरियल के अंदर कन्वर्ट की तो हमने उसको बिल्कुल ही एक अलग लेवल के ऊपर ले गए ऐसे ही मटेरियल है ये ग्राफीन ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है कि जो बहुत जो अगर थिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज ये इतने थिन मटीरियल के अंदर है जैसे रेजिस्टिविटी मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है अभी आगे बढ़ेंगे इसको थर्मल स्टेबिलिटी है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ऐसा नहीं कि ये कुछ जल्दी मेल्ट हो जाए या कुछ है थर्मली स्टेबल है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज हाई एट रूम टेम्परेचर तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अब ये प्रॉपर्टीज को एक सिंपल भाषा में बोलूँ हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो ऑलमोस्ट जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए क्या चाहिए हमें कि कोई मटेरियल है उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो मतलब यहाँ से आपने कोई इलेक्ट्रॉन भेजा वो पूरे का पूरा इधर यहाँ से आ जाए मान लो अपने दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके अंदर हुए तो दस के दस यहाँ पे आ जाएँ ठीक है अगर मान लो सपोज़ करो जैसे और वायर्स हैं बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ होती हैं वहाँ पे लॉस भी होता है इलेक्ट्रॉन का बीच में ठीक है जी तो वो हंड्रेड परसेंट नहीं है तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्री कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही एफिशेंटली वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाएगा तो ये तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है है ना उसके बाद थर्मली स्टेबल भी है अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो उसके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसके बाद लाइट वेट भी है तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो हमें रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए थिन भी है ठीक है अब ये तो होगी ग्राफीन की बात अब ग्राफीन को ठीक है अभी रिसेंटली चलो इससे पहले ये देख लो कि ग्राफीन मास्क भी बनाया गया ठीक है अब इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है तो ये ऑटो क्लीन है थिन शीट है ठीक है जी इसको रोल किया और उसकी ट्यूब बना दी उसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब नैनो स्केल के ऊपर होती है बहुत ही थिन ये ट्यूब है ठीक है जी तो बेसिकली ये कुछ नहीं है दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है जब ग्राफीन ही की हम शीट्स बनाते हैं उसको रोल करते हैं ट्यूब बनाते हैं उसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब ठीक है जी ये भी देखो सिंगल एटम कार्बन नैनो ट्यूब जो बेसिकली ग्राफीन से बनी है ठीक है जी अब इसकी जो ग्राफीन की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी वही प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर आएंगी तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है तो अब ये ट्यूब को अगर तो आपने सिंगल वॉल्ड है सिंगल वॉल्ड कवर किया देन सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं अगर आपने बहुत सारे जो ट्यूब के अंदर ट्यूब इसको रख के कवर किया तो मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं सिंगल वॉल अराउंड लेस देन वन नैनोमीटर तो बहुत ही थिन ट्यूब है, है ना अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख के आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इसकी क्या एप्लीकेशन होने वाली है और यूपीएससी के अंदर जब एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से एप्लीकेशन बेस यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप ईजिली वो स्टेटमेंट को सिंगल uh, आउट कर सकोगे जो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिट नहीं बैठती प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वन बाई वन चलते हैं धीरे धीरे मकैनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है जी तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ को ईजिली आप इसको ब्रेक नहीं कर पाते ठीक है जी कैन बी फोर टाइम्स डैट ऑफ स्टील मतलब अगर मैं स्टील को रखूँ एक साइड के ऊपर है ना तो दूसरी राइपे कार्बन नैनोट्यूब स्टील तो देखो एक तो थिक भी है ठीक है जी उसके बाद स्टील के अंदर अगर हम बात करें थिकनेस भी आएगी हैवी भी होगा वेट भी होगा तो दोनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो आप बोलोगे कार्बन नैनोट्यूब तो ठीक है है ना दोनों के अंदर लाइट वेट है तो कार्बन नैनोट्यूब लाइट वेट भी है और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है आप इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते इजिली थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है मान लो टेम्परेचर है टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना जैसे हम आपने सोचा कि हमने सेंसर बनाने वो सेंसर जो ईजिली हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेम्परेचर हो बता बता सके ठीक है जी अब टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा बढ़ा तो ये एग्जैक्टली exactly पूरे को ठीक है पूरे टेम्परेचर को कंडक्ट करता है दूसरी जगह के ऊपर ठीक है जी दूसरी जगह के ऊपर हीट को बेसिकली एक जगह से हीट को पूरा ट्रांसमिट करता है दूसरी जगह के ऊपर तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है ऐसा काम कर सकते हैं केमिकली स्टेबल है ये ठीक है रजिस्ट वर्चुअली एनी केमिकल इम्पैक्ट ठीक है जी तो ज़्यादातर जो केमिकल इम्पैक्ट है उसको भी ये रजिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें और जो चीज़ें जैसे बहुत जल्दी क्रोजर नहीं होता वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है ठीक है उसके बाद हॉलो इंटीरियर देखो ये बेसिकली ट्यूब है है ना ट्यूब है अब इसके जो इंटीरियर है वो हॉलो है जब हॉल इंटीरियर होता है तो बहुत सारी आप मेडिसिन वगैरह इसके अंदर फिल कर सकते हो और इसको कैप्सूल बना के बॉडी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक और बात के जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं इतनी थिन है कि अगर ऐसा भी बहुत सारा बोला जाता है कि अगर आपके हाथ के अंदर इसको करेंगे तो ईजिली पेरीट्रेट करके दूसरी साइड के ऊपर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होने वाली है, है ना चलिए आगे देखते हैं अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तो प्रॉपर्टीज़ इनकी ऐसे नहीं है कि भाई आपने सीधा मतलब आपने एक ही कार्बन एनोट्यूब है तो वो एक ही टाइप की है उसके अंदर एक ही प्रॉपर्टीज़ है ठीक है जी जैसे अब यहाँ पे यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकती है इनकी प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ग्राफीन को रोल किया है ना आपने कौन से एंगल के ऊपर वो लेयर जो ग्राफीन लेयर है वो कौन से एंगल के ऊपर रहेगी वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है जैसे आम चेयर है ठीक है जिग जैक है यहाँ पे ठीक है जी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं क्योंकि बहुत ही नैनो स्केल के ऊपर ये काम होता है एंड कायरल है ठीक है जी तो आपको ऐसा की प्रॉपर्टीज़ जैसे एक आम चेयर अगर आपने कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है जी एग्जैक्ट के अंदर सेमी कंडक्टर वगैरह बनाना है तो इस लेवल के ऊपर उसको मोल्ड किया जाता है लेकिन यू पी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम इसकी जो डायरेक्शन है या फिर इसका एंगल है उसको चेंज करें तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं यस yes, वो भी चेंज होती हैं बस इतना आपने याद रखना है लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि देखो जितना मैंने आपको अभी बताया कार्बन नैनोट्यूब के इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है आप कल को हो सकता है कि आपका जो टीवी है वो ऐसा है कि जैसे आपकी पेंट की थिकनेस होती है, है ना आपने पेंट किया वॉल के ऊपर तो ऐसा ही वो पेंट टाइप या आपकी वॉल के ऊपर लग गया तो किसी को आप हाथ भी लगाओ इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि वहाँ पे टीवी लगा हुआ है है ना लेकिन उसके लिए वो काफ़ी टाइम लगेगा हमें दूसरे जन्म पे विश्वास रखना चाहिए कि होगा वहाँ पे हम देखेंगे ऐसी चीज़ें भी फ्यूचर के अंदर अभी के लिए यहाँ पे नहीं है और एप्लीकेशन देखते हैं हाई स्ट्रेंथ है ड्यूरेबिलिटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलरेडी बता दी वही प्रॉपर्टीज़ थर्मल कंडक्टिविटी आई है लाइट वेट है है ना तो यहाँ पर बाकी मटीरियल जितने भी आजकल हम देखते हैं यहाँ पे ये ऐसा मटेरियल जो लाइट है थिन है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो हर एक चीज़ के अंदर इसकी एप्लीकेशन है ठीक है जी देन आजकल इसको एडिटिव सिंथेटिक के साथ मिला के यूज़ किया जाता है नॉर्मली ये पाउडर uh, की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है फाइबर भी इसके बना सकते हैं ऐसा ये सारी एक हाइप क्रिएट की गई है यहाँ पे कि इसकी एप्लीकेशन है क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनकी एप्लीकेशन बनाई गई है लेकिन उतनी हमने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं की क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है आम चेयर बनानी है जब आर्म चेयर बनाने लगते तो आपसे झिक झक बन जाती है क्योंकि बहुत ही लो स्केल के ऊपर ये काम होता है ठीक है जी तो ये इसके अंदर इश्यूज़ हैं सपोर्टिंग गुड्स के साथ थोड़ा बहुत मिक्स करके इसको यूज़ किया जा रहा है टेक्सटाइल ऑटोमोटिव तो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं बायोडिग्रेबलिटी की तो कार्बन नैनोट्यूब को ये बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा बायोडिग्रेबल नहीं है ठीक है जी तो क्योंकि तो तो ये केमिकली स्टेबल रहती है तो इसीलिए तो लेकिन जो रिसेंटली बहुत सारे जैसे एंजाइम हैं परॉक्सीडिस है हमारे पास टेन सेल वगैरह हो गए जैसे न्यूट्रोफ़िल्स हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर एक्ट करते हैं वो सारे इसको जो रिजल्ट अच्छे दिए हैं रिसेंटली कि हम इसको डिग्रेड इजली कर सकते हैं तो लेट्स सी होता क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको अगर हम ए, क्योंकि इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है बहुत थिन है है ना तो इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा उसको कैप्सूल बना के हम बॉडी के अंदर बेच सकते हैं अब ये इतना थिन है ये कोई सेल है सेल के अंदर ईजिली जो सेल की बेसिकली सेल वॉल है है ना या फिर सेल मेम्बरन है उसके अंदर ईजिली ये ट्रांसमिट कर जाएगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे ड्रग डिलीवरी कर देगा कैंसर के अंदर भी काफ़ी बोला जा रहा है जैसे मान लो कोई कैंसर सेल है ट्यूमर है ठीक है बॉडी के अंदर अब हमने इसको <coughs> बहुत सारी कीमोथेरेपी भी होती हैं तो अगर मान लो आपको कार्बन नैनो ट्यूब आपके पास है इसके अंदर इंसर्ट की अब इसको कार्बन नैनो ट्यूब को हम वाइब्रेट करेंगे ठीक है जी वाइब्रेट करवाया जाए क्योंकि देखो हमारी ऐसे स्किन के अंदर इजीली ये पेनिट्रेट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा हमें ना ही पेन होगी इतने तो ये वाइब्रेट करवाएंगे जैसे ये वाइब्रेट होगी तो हीट यहाँ पे जनरेट होगी अब ये हीट जो है आपकी जो कैंसर सेल है उसको किल कर देती है ठीक है ख़त्म कर देती है श्रिंक कर देती है बेसिकली इसको तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है ठीक है जी ए, हाई एस्पेक्ट रेशो है मतलब लेंथ ब्रेड की रेशो अच्छी खासी रेशो इसके अंदर मिलती है हमें स्किन परमिशन है ठीक है बहुत सारी चिप वगैरह आप स्किन के ऊपर जो है वहाँ पे इसकी काफ़ी ई स्किन के अंदर एप्लीकेशन है ठीक है फ्यूल सेल बना सकते हो बाकी सारी वही है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो एप्लीकेशन रहती है बायोसेंसर है बायो, बायो मटीरियल है वो सारी इसके अंदर एप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पे एक इसका जो थ्रेट भी है एक तो बायोडिग्रेबली इतनी जल्दी नहीं डिग्रेड होती ठीक है ऑल दो अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है एक दो साल के अंदर यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम इसको ईज़िली डिग्रेड कर सकते हैं दूसरी बात हमारी बॉडी अब इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो अब देखो सॉरी थिकनेस नहीं लेंथ बहुत ज़्यादा है तो जब हम जैसे आपके इतनी थिन है हमारा लंग तो ऑटो क्लीन करेगा ये बॉडी से रिमूव हो जाएगी है ना जितनी थिन है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा होती है जब लेंथ ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये चलेगी और वहाँ पे बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सकती है यही थ्रेट है मेनली कि कल को मान लो जैसे इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर गई तो कल को इसको किसी को भी थ्रेट करने है ना किसी को मान लो किसी की जान को खतरा भी तो हो सकता है क्योंकि अगर मान लो आपने इसके अंदर कोई पॉइजन लोड किया और वो पॉइजन आपने चलते चलते किसी की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया उसको पता भी नहीं चलेगा तो ये इसके थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है इतना ईजी नहीं है तो अभी जो आपने प्रॉपर्टी समझी इन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर आप यूपीएससी के अंदर प्री के लिए आंसर दोगे ठीक है वही एक तरीका है क्योंकि अदरवाइज एप्लीकेशन बहुत वाइड है तो वो प्रॉपर्टीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी उसके अलावा अब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है है ना अब जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा कोई भी केमिकल उसको अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करेगी हर एक लेयर के थ्रू तो इसीलिए ये कैटालाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेश है सेंसर है ऑलरेडी बता दिया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी हैं ये सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ हुई या थोड़ी सी हीट इंक्रीज़ हुई ये तुरंत आपको वो सिग्नल को इन्फ्लुएंस करेगा है ना कि आपने अगर मान लो क्योंकि इसके अंदर पूरा जितना ज़्यादा मान लो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे ट्रांसमिट होते हैं मान लो अगर वहाँ पे हीट है वो बहुत ही ईजिली एक एंड से दूसरे एंड तक थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ वो जल्दी पहुँच जाएगी ठीक है जी फिल्ट्रेशन है तो यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह इसके अंदर भी यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन कभी इसकी दोस्तों एंड नहीं होगी चाहे आप दस किताबें पढ़ लो क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आती है तो बेटर यही है कि जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हर एक के अंदर प्रॉपर्टीज बताई वो आपने ध्यान रखनी है और थोड़ी सी जो एप्लीकेशन यू के परस्पेक्टिव से बताई वो आपने ध्यान रखनी है ठीक है दोस्तों चलिए सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे दोस्तों मेहनत करो अपनी थैंक यू वेरी मच